नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा हंगामेदार रही। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जमकर यहां पर हंगामा काटा है। हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्नकाल के दौरान ये प्रश्न किया था कि नगर निगम के फंड में कितना पैसा है, इसकी जानकारी यहाँ पर देने वाला कोई नहीं था। और हैरानी की बात तो ये रही कि रायपुर नगर निगम के आयुक्त तक ये सही जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आक्रामक हो गए। वहीं गड्ढों को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए। लीपापोती का आरोप तब लगाया गया। भाजपा पार्षदों का कहना है कि रायपुर नगर निगम द्वारा उनके वार्ड में काम नहीं कराया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। वहीं भाजपा पार्षदों ने और भी कई मामलों को लेकर के महापौर को घेरने की कोशिश की। मेरे वार्ड में तालाब में काम चालू किया नहीं पता है और लीपापोती चल रहा है, पूरा लीपापोती 30 लाख में काम चल रहा है, उसमें लीपापोती चल रहा है और ऐसे बस माने किसी को बताना नहीं, क्यों कोई इंजीनियर नहीं जाना, नगर निगम नहीं जाना, पूरा लीपापोती चल रहा है वहां। कांग्रेस खुद अपने पतन के लिए जिम्मेदार है, ये कहना है धर्मलाल कौशिक का। उन्होंने विभागों के जो बंटवारे हुए हैं, एससी एसटी और ओबीसी के अलग अलग विभाग बनाए जाने पर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि जब कोष में पैसा ही नहीं है तो ये विभाग बनाकर क्या कर लेंगे। मैं आपको केवल एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आज़ादी के बाद में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से सौराष्ट्र तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहने के बाद में आखिर उसका पतन क्यों हुआ, उसके लिए जवाबदार कौन है? और आज भी जो मोह बना हुआ है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भारत मुक्त, कांग्रेस भारत मुक्त, इसमें अंतिम कील ताबूत में ठोकने वाले इनके नेता होंगे और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा, स्वस्थ भारत यहाँ पर रहेगी और स्वस्थ भारत के साथ में विकास होगा। छत्तीसगढ़ के कोष खाली है, खजाना में पैसा नहीं है, उधारी में सरकार चल रही है, केंद्रीय योजनाओं में देने के लिए पैसा इनके पास में नहीं है और योजनाएं ठप पड़ी हुई है। ये 3 नहीं 4 बना दे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नियत भी नहीं है और उनके पास अर्थ की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में केवल दिखाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि उसका खर्चा ही होगा। राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों में लोहे कारोबारियों और शराब कारोबारियों के यहां पर छापे पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स के इन छापों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि ये साबित करता है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और लूट का जो अध्याय लिखा गया है, इस पाप का घड़ा धीरे धीरे फूट रहा है। केंद्रीय एजेंसी लगातार यहां पर दबिश दे रही है, अधिकारियों के साथ में मिलकर, भू माफियाओं के साथ में मिलकर, खनन माफियाओं के साथ में मिलकर इस सरकार ने प्रदेश को जमकर लूटा है, अकूत संपत्ति अर्जित की है और इसी के चलते ईडी आईटी समेत तमाम प्रकार की एजेंसी राज्य में दबिश दे रही है, सभी मामलों का खुलासा कर रही है और बावजूद इस मामले में राज्य की भूपेश बघेल सरकार सिर्फ बयानबाजी और राजनीतिक शोशेबाजी कर रही है। वास्तव में पिछले 4 साल से प्रदेश में कोयला, रेती समेत तमाम प्रकार के माइनिंग में जो घोटाला हुआ है, जो लूट हुआ है, वो कहीं न कहीं छन छन कर सामने आ रहा है। पिछले बार जो आईटी के छापे ने सारी चीजों को प्रमाणित किया था, 200 करोड़ की अघोषित संपत्तियों का जो ब्यौरा दिया था, उसके बाद से ही इस बात का अंदेशा था कि इस मामले में आगे और कार्रवाई होगी, बड़े बड़े मछलियां इसकी जद में आएगी। इधर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि डी पुरंदेश्वरी के बयानों से ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं बचा। देखिए, पुरंदेश्वरी जी ने कुछ महीने पहले बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम कलेक्टिव रूप से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अरुण साव जी के एक नया चेहरा दिया और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी नारायण चंदेल के रूप में एक नया चेहरा दिया। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इनको चेहरा मानती हैं पुरंदेश्वरी जी, कि इनको भी चेहरा नहीं मानती हैं,
क्या भूपेश बघेल के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पास में इस नए नेतृत्व के बाद में भी कोई नया चेहरा स्टेब्लिश हो पाया है या नहीं, उसका जवाब देना चाहिए। राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 15 देशों ने शामिल होने की सहमति दिखाई है। इसमें कई इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भी लोग यहां पर होंगे। दो अलग अलग स्थानों पर ये प्रतियोगिता रखी जा रही है, जिसमें अनेक प्रतिभागियों के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष गुरुचरण होरा ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम का खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए है और सबसे पहली बार इतनी बड़ी राशि पुरस्कार के रूप में दी जा रही है, जो राशि है 35 लाख रुपए। देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्य के सम्मानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम से और उनके मुख्यमंत्री पद को दृष्टिगत रखते हुए चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ग्रैंड मास्टर, IM वुमेन ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर के साथ 10 दिन तक ये प्रतियोगिता यहाँ पे चलेगी। 28 सितंबर से लेकर 18 से 28 10 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इसमें पूरे दुनिया के नामी गिरामी ग्रैंड मास्टर और ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, और क्योंकि अभी ये एक टूर्नामेंट चेन्नई में वर्ल्ड लेवल का हुआ था, उसी की कड़ी के रूप में ये छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। और हमारे सम्मानी विनोद राठी जी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य आपके शतरंज संघ के महासचिव हैं, उनके दिशा निर्देशन में हम लोग ये सारा सहयोग करके इस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनामी राशि भी रखी गई है, क्या कितनी राशि? देखिए, इनामी राशि 35 लाख रुपए हम जो खिलाड़ियों को देंगे, उसके अलावा मोमेंटो हैं, सब चीज़ें हैं, और छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है उसको भी भेंट उनको की जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दुनिया के हर कोने में ले जाके दिखाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। इधर JCI के द्वारा भी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागियों के शामिल होने की बातें कही जा रही हैं। इसमें मिस छत्तीसगढ़ और मिस्टर छत्तीसगढ़ की उपाधि भी दी जाएगी। 8 अलग अलग वजन वर्गों में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा, जिसे लेकर के आज एक पत्रकार वार्ता ली गई और विस्तार से जानकारियां दी गई। JCI रायपुर नोबल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 11 सितंबर को दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न कैटेगरियों पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिलों से, जांजगीर, चांपा, राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, सभी जिलों से प्रतिभागी यहाँ आ रहे हैं। किन किन कैटेगरी में यह प्रतियोगिता होगी, इस बारे में छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग प्रदेश के महासचिव अरविंद सिंह जी हैं, वो संक्षिप्त जानकारी दे देंगे। इस बार बहुत अच्छी जो है तैयारी है खिलाड़ियों की, क्योंकि 2 साल के बाद कोरोना पैंडेमिक के बाद जो है ये हो रहा है। मुझे हर जिलों से जैसी सूचना मिल रही है कि बहुत अच्छी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, और नियर अबाउट मान के चलिए कि 200 से 250 बॉडी बिल्डर इसमें आएंगे ही आएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 2 साल के बाद खिलाड़ियों को एक प्रतियोगिता मिल रही है और बहुत अच्छी नकद राशि भी जो है इसमें JCI नोबल की तरफ से दी जा रही है, ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए CCC नामक संस्था द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, वहीं इस कार्यक्रम में डॉक्टर शिव डहरिया भी शामिल होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों में उपभोक्ता हितों के प्रति बनाए गए कानून आदि की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। ये कार्यशाला आम उपभोक्ताओं के लिए है। हमारी अपील है कि इस कार्यक्रम में जितने आम उपभोक्ता पहुँचे, अपने अधिकारों को जाने कि किस तरीके से सरकार उनके लिए मदद कर रही है, किस तरीके से उनके लिए कानून बने हैं, कैसे कोई संस्था उनके लिए काम कर रही है। हमारी जो अपेक्स बॉडी है CCC, जिसके हम मेंबर हैं, हम इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता हितों के लिए, उपभोक्ता जन जागरूकता के लिए हम लोग काम लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों तक संदेश पहुँचे कि ऐसी संस्था भी काम कर रही है, और कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए शासन प्रशासन में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंचे। हमारे आज के बुलेटिन में इतना ही। दैनिक समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दी अनुमति, नमस्कार।